को समझना और याद रखना है, इस जमाने का हिस्सा है, उसमें पैंडेमिक हुआ है, इसलिए लोग सबसे ज्यादा आपसे एक्सपेक्ट करते हैं कि आपको उन चीजों के बारे में पता होगा, एंड यू आर लाइक अ सीनियर स्टूडेंट और आपका मेजर है लाइफ साइंसेज, तो आपके से सबसे ज्यादा एक्सपेक्ट किया जा सकता है दैट यू गाइस शुड नो अबाउट ऑल दिस थिंग। मैं वैक्सीन के वाले से जो क्वेश्चंस मार्केट में मौजूद है इस टाइम, लोग पूछते हैं तुमने कौन सी लगवाई, तुमने कौन सी लगवाई, सऊदी अरब वाले साइनोवैक को क्यों नहीं जाने देते, साइनोफार्म को क्यों नहीं जाने देते, अलाउ नहीं करते हैं कि अगर आपने साइनोवैक लगाया हुआ है, इट मीन्स अकॉर्डिंग टू देम दैट द पर्सन इज नॉट अलाउड। तो इसका मतलब वो कहीं ना कहीं मानते हैं ना कि इसकी एफिशिएंसी अच्छी नहीं है। वो जो दूसरी वाली है, क्या नाम है उसका, एस्ट्राजेनेका, दैट वाज लाइक ओके, दैट वाज कंपैरेटिवली ओके टू गो फॉर सऊदी अरब, बट दैट इज स्टिल नॉट ओके टू गो टू यूएस, फॉर यूएस यू हैव टू हैव फाइजर समथिंग लाइक दैट। तो ये जो चीजें हैं, इनके सवालों के जवाब कौन सबसे अच्छे तलाश कर सकते हैं, आप लोग तलाश कर सकते हैं, या आप लोग अगर तलाश भी नहीं कर सकते, आप लोगों के दिमाग में आने चाहिए, यू शुड बी द वन जिसके जिसके दिमाग में ये क्वेश्चंस व्हाई व्हाट हु हाउ ये क्वेश्चंस आने चाहिए कि यार ये वाली वैक्सीन में उसमें क्या फर्क है। आम आदमी डिपेंड करता है न्यूज के ऊपर, खबर में उनको बताया जाएगा, आप उसको पढ़ेंगे, या वो जो मीम्स बनते हैं उस पर, या वो जो एक दूसरे को सोशल मीडिया पर जो मर्जी होंगियां मोंगियां मार देंगे दूसरे के बारे में। मोस्ट ऑफ द पीपल डिपेंड ऑन दीज थिंग्स फॉर देयर इन्फॉर्मेशन। यू गाइज आर नॉट सपोज टू बी लाइक दिस, यू आर डिफरेंट। यू शुड नो कि वैक्सीन कोई कंपनी डेवलप करती है तो वो अपना डेटा कहाँ शेयर करती है, हु आर द पीपल हु पुट ऑल दैट डेटा टुगेदर, हु आर द पीपल हु आर एक्चुअली ट्रैकिंग, ट्रैकिंग जैसे कुछ ट्रैकिंग होती है पार्सल की, हु आर द पीपल हु आर ट्रैकिंग कि वैक्सीन डेवलपमेंट कैसे हो रही है, इन्होंने फर्स्ट ट्रायल फर्स्ट फेज कर लिया, सेकंड फेज ट्रायल कर लिया, थर्ड फेज ट्रायल में कितने हो गए, कौन कौन से पेपर्स पब्लिश हुए हैं इससे एसोसिएटेड, एंड देन यू माइट बी एबल टू फाइंड द आंसर व्हाई साइनोवैक व्हाई नॉट साइनोवैक, व्हाई साइनोफार्म व्हाई नॉट साइनोफार्म, what is the special thing in Pfizer, because you are the one who should know and trace all the associated studies with that thing. aap khabre padh ke batane wale nahi hona chahiye, aapko research padh ke apna opinion qaim karna chahiye, aapko in sawalon ka jawab talash karna chahiye ki ye wali kyu aur ye wali kyu, and also that what will be the ultimate solution. of course things are getting very better better and better over the period of time, aur bahut sare mamalik jin mein 50% plus vaccination ho chuki hai, they are fine, they are actually allowing people to have indoor parties even without mask. So New York was like the place, New York, California, these are the two hotspots in the world. Hotspot is liye kehta hu ki yahan par duniya mein sabse ameer log rehte hain, jo bahut zyada paisa kharch, jinki zindagi shayad bahut mehangi hai, you know, jinki life bahut mehangi hai. So in do shaharon ke andar bhi jo lockdowns hai na, wo uski restrictions ko lift kar diya gaya, aksar restrictions ko, yani ki people jo hai wo jo 6 feet ka faasla ka jo concept tha restaurants mein wo khatam kar diya gaya hai. You can sit together. सिनेमास के अंदर जो हाउसफुल अलाउ कर दिया गया है, तो दैट इज इंडिकेशन कि वो कितने कॉन्फिडेंट है अपनी वैक्सीन के ऊपर, और इन दो शहरों में 70% के करीब वैक्सीनेशन हो चुकी है, सो दैट मीन्स दे आर क्वाइट फाइन कि 70% लोग ऑलरेडी इम्यून है, उन बाकियों में से भी अक्सर हो चुके होंगे, वेरी लिटिल चांस टू पास ऑन द वायरस टू द अदर पर्सन, सो इट इज अलाउड। सो ये चीजें जो है वो हमें इनको टिक करना आना चाहिए, और अल्लाह ना करे कभी हमें दोबारा जरूरत पड़ती है तो वी शुड नो अबाउट ऑल दिस। जी शायद खान साहब को हुआ, खान साहब को हुआ ऐसे ना, और प्राइम मिनिस्टर साहब को ऐसे हुआ है, प्राइम मिनिस्टर साहब ने एक दिन पहले तो फील लगवाई है कि मैं वैक्सीन लगवा रहा हूँ, दो दिन पता लगा कोविड हो गया, तो वहां से लोगों ने कंस्पिरेसी थ्योरी बना ली, और जड़ा वैक्सीन लगवाता उधर से कोविड हो गया ना, ये अलग अलग पैरल चीजें हैं। कोविड कैसे इंपैक्ट करेगा वो आप जानते हैं, इट डिपेंड्स कि हमारा बॉडी उसके ऊपर कैसे रिस्पॉन्ड करता है। अगर आपने वैक्सीन कल लगवाई है, परसों लगवाई है, तो आप गैस कर सकते हैं कि ये डिलेड, ये जो इम्यून रिएक्शन है ना, ये क्विक नहीं है, ये लाइक इट विल बी प्रोड्यूस्ड ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, इट विल टेक सम टाइम टू डेवलप एंटीबॉडीज। तो अगले हफ्ते में या एक हफ्ते के दौरान यू कैन गैस के आपकी बॉडी रेडी नहीं है। जब बॉडी वायरस को रिसीव करती है, वो उसको अलग पार्टिकल के तौर पर रिसीव करती है, याद रखें, क्योंकि वायरस एक कंप्लीट स्ट्रक्चर है, वैक्सीन जो है ना ये पार्ट ऑफ वायरस है, इट्स अ डिफरेंट थिंग। तो वैक्सीन की वजह से जो इम्यून सिस्टम ट्रिगर करता है वो कंपैरेटिवली माइल्डर होता है, लेकिन जो असल वायरस से इम्यून सिस्टम ट्रिगर होता है वो एक्चुअल जेन्युइन और बहुत स्ट्रॉन्ग होता है। यानी अगर आप मुझसे पूछें एक बंदा वैक्सीन से इम्यून हुआ है, एक बंदा सच्ची मुच्ची के वायरस से इम्यून हुआ है, अच्छा कौन सा होगा, जो सच्ची मुच्ची के वायरस से इम्यून, नेचुरल है। तो
ये एक अलग अलग देखे जाने वाली एक्टिविटीज हैं। तो अगर वो उसको कोविड हो जाएगा तो जैसे खान साहब को हो गया था, तो दैट इज अ पैरेलल एक्टिविटी, बॉडी ने फाइट की, नहीं विन कर पाया और सिम्टम्स शो हुए। लेकिन अगर कोई आदमी दो तीन हफ्ते गुजार चुका है तो उस रोज में दो ऑप्शन हैं। साइनोफेम साइनोवेक के बारे में ये नहीं कहा जाता कि ये बिल्कुल ही कोविड नहीं होने देंगे, इनके बारे में ये जरूर राय कायम की जाती है, इनके बारे में ये समझ पाई जाती है कि ये वेंटिलेटर पर नहीं जाने देंगे, सिवियर कंडीशन नहीं होंगे, एंड दैट इज गुड इनफ। यानी कि हमें इतना मौका मिल जाएगा कि वी माइट बी एबल टू रिकवर, सिम्टम्स हो सकती है लेकिन वी माइट बी एबल टू रिकवर, ये इनके बारे में राय है। और ये इट्स अ रीजनेबल थिंग कि अगर आप अल्लाह ना करे क्रिटिकल सिचुएशन से बच सकते हैं तो वैसे गुड इनफ फॉर अस। I have a question from Zunaira sir. For DNA-based vaccines, do they stay as extra chromosomal elements only, or are they DNA vaccines which are integrated in the genome of the world? There are two types of DNA-based vaccines. आपने हमने उस paper के अंदर भी हैं। आप ये देखेंगे जो viral vector based होती हैं, जो viral vector based होती हैं, they become integrated. जो दूसरी वाली vaccines होती हैं, they are likely to stay in the cytoplasm. लेकिन cytoplasm में ये extra chromosomal DNA का stay करना जो है ना, it's not nice. क्यों? क्योंकि वो survive ही नहीं करेगा। It will, या सेल डिवाइड करेगा तो वो गए। सेल का डिवीजन अगर आप समझे ना, सेल डिवीजन को पढ़े तो आप हैरान हो जाएंगे कि सेल का डिवीजन एक तरह की मौत है। सेल को अपना सब कुछ मानना पड़ता है यार, इमेजिन सेल को सारी साइटोस्केलेटन प्रोटीन्स तबाह करनी पड़ती है, सेल मेम्ब्रेन खत्म करनी पड़ती है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन खत्म करनी पड़ती है यार, डीएनए खत्म करना पड़ता है, जिंदगी खत्म करनी पड़ती है। आफ्टर ऑल वो तमाम एंजाइम्स एंड प्रोटीन्स, दे आर डूइंग लॉट ऑफ थिंग्स। तो फॉर सम पीरियड ऑफ टाइम cells choose that none of my enzyme is required. So life to nahi hogi na us waqt, for a certain period of time cell do not exist, it will going to delete everything and then recreate everything in the daughter cells. Chand ek cheeze bachti hain, chand ek organelles bachte hain, aapne dekha my mitochondria jaise hota hai, wo khud alag se divide kar raha hota hai, isliye uske paas apna dna hota hai. So ye baat samajhne wali hai ki सेल डिवीजन अल्टीमेटली चीजों को उड़ा देगी। तो अगर एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए पड़ा हुआ है तो वो तबाह हो जाएगा सेल डिवीजन की वजह से, और अगर वो सर्वाइव करता है तो वो उसको ग्रेजुअली जो है वो जो न्यूक्लियसेस हैं जो हमारे न्यूक्लियस से पाए जाते हैं या जो बाहर होते हैं उसको उड़ा देंगे। द बेस्ट वे टू पुश दैट एक्सटर्नल डीएनए टू बिकम पार्ट ऑफ द होल जीनोम। लेकिन इसके ऊपर दूसरे एथिकल कंसर्न्स होते हैं, यू आर पुटिंग एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल थिंग्स राइट इनटू द न्यूक्लियस, दिस इज नॉट नाइस। आंसर इज यस, इट इज नॉट नाइस। It is important. The answer is no. It is not important. Vaccine के केस में important नहीं है. Ask me why. Vaccine के केस में extra chromosome लेना favour करता है. मेरी समझ के अंदर. The reason why is that because in case of vaccine we need an immune response and that's all. We don't want to express the spike proteins again and again and again and again and again. If that thing become part of the human genome, it will keep on producing the spike proteins. एक बार स्पाइक प्रोटीन बन जाए दैट इज गुड इनफ। फाइजर क्या करती है, फाइजर वैक्सीन में क्या होता है, मैसेंजर आरएनए जाता है, स्पाइक प्रोटीन प्रोड्यूस करता है ट्रांसलेशन के नतीजे में, एंड दैट इज गुड इनफ। वंस यू ट्रिगर द इम्यून सिस्टम दैट इज गुड। सो डीएनए वैक्सीन आर बेटर इफ दे डू नॉट, आई थिंक एथिकली मॉरली ज्यादा बेटर है कि वो इंटीग्रेट नहीं करें, ठीक है। लेकिन इंटीग्रेशन वाले ऑप्शन भी हैं और दूसरे भी हैं। ये बोले नहीं, साइनोवैक जो वैक्सीन है ना वो, अगर मैं एक्यूरेट हूं, अगर मगला तो मैं ठीक कर देना, ठीक है। इट इज इनएक्टिवेटेड वायरस, इट्स इनएक्टिवेटेड वायरस। सो बॉडी को लगता है वायरस आ गया, डीएनए बेस्ड वायरस लेते हैं, उसको केमिकली इनएक्टिवेट कर देते हैं, उसकी ट्रीटमेंट करते हैं, उसको केमिकली इम्पोटेंट कर देते हैं। अब वो वायरल पार्टिकल तो है लेकिन वो वायरस नहीं है, बस दिस इज वन ऑफ द वे। सो व्हाई, आई हैव अनदर क्वेश्चन, सो व्हाई डोंट वी ट्राई टू इंटीग्रेट द डीएनए इनटू माइटोकॉन्ड्रियल जीनोम इफ दे आर कंसर्न ऑफ न्यूक्लियस। हाँ, तो माइटोकॉन्ड्रियल जीनोम से भी तो वही कंसर्न होंगे ना, और माइटोकॉन्ड्रियल जीनोम से जो है ना ज्यादा कंसर्न होंगे न्यूक्लियर जीनोम से। पूछो क्यों, क्योंकि वो कॉन्स्टेंट होता है, कंजर्वड होता है मैटरनल लाइन में। सर क्यों, वो ज्यादा प्रॉब्लम हो जानी है। लोगों ने कहना हाय अम्मी वाली लाइन खराब कर दी, मॉम्स वाली लाइन जो है ना उसको खराब कर दिया। तो माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए जो है इसके बारे में आप ये जान लीजिए कि अपार्ट फ्रॉम द फैक्ट यू गाइस नो कि ये मैटरनल साइड से कांस्टेंट होता है, इसके अंदर जो
जीन्स होते हैं ना, दे आर वेरी एफिशिएंटली ऑर्गेनाइज एंड प्लेस्ड, नेचर ने बड़े कमाल से प्लेस किए। सॉरी याद करता क्या माइटोकॉन्ड्रिया, रेस्पिरेशन, एनर्जी प्रोडक्शन क्रिटिकल है ना, सेलुलर रेस्पिरेशन नहीं होगी, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन नहीं होगी, क्रैब्स साइकिल नहीं होगा, ग्लाइकोलाइसिस नहीं होगी, दैट मीन नो लाइफ, जिंदगी जाए पहाड़ में, उसके बाद कोई जिंदगी नहीं है उसके अलावा। तो व्हेन यू नीड टू एक्सिक्यूट अ फंक्शन, अब आपको पता लग जाएगा माइटोकॉन्ड्रिया बचता क्यों है। व्हेन यू नीड टू एक्सिक्यूट अ फंक्शन, एक चीज चाहिए चाहिए आपको, और वो क्या होती है, एनर्जी। पहला केमिकल रिएक्शन करने के लिए भी एनर्जी चाहिए होगी ना, अगर नई जिंदगी तकलीफ करनी है, नया सेल बनाना है, तो जो इनिशियल रिएक्शंस होंगे, इनिशियल सिंथेटिक रिएक्शंस होंगे, उनके लिए भी एनर्जी चाहिए। नाउ द यूजुअली फंक्शंस करने के लिए सेल्स किस पे डिपेंड करते हैं, न्यूक्लियर जीनोम पे। यहां से मैसेज भेजेंगे, ओए मैसेज जाएगा न्यूक्लियस में, न्यूक्लियस का एक पर्टिकुलर जीन जो है वो एक्सप्रेस होगा, दैट जीन विल बी एक्सप्रेस्ड एंड देन इट विल गोइंग टू बी एक्सपोर्टेड, मैसेंजर आरएनए बनेगा, साइटोप्लाज्म में आएगा, साइटोप्लाज्म में ट्रांसलेशन मशीनरी क्या करेगी, वो उसको इस्तेमाल करेगी, इंफॉर्मेशन को प्रोटीन बनाएगी, प्रोटीन मॉडिफिकेशन होगी, फंक्शनल फॉर्म में आएगी, एंड देन द फंक्शन विल बी एक्सिक्यूटेड। आज चाहिए था आवाज दी तो कई दिनों के बाद जाके जो है ना वो रिस्पॉन्स मिलेगा, दैट इज द न्यूक्लियर जीनोम इज होल्डिंग हेल ऑफ इंफॉर्मेशन, बट इट रिक्वायर्स अ लॉन्गर रूट टू एक्सिक्यूट द फंक्शन। तो माइटोकॉन्ड्रिया तो कहता है मुझे क्रैब्स साइकिल का एक एंजाइम चाहिए, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन का एक एंजाइम चाहिए, नहीं है फोरन चाहिए, अभी चाहिए, अभी चाहिए, तो वो कितने न्यूक्लियस गुस्ताख रखा, कितने जा लड़ियां, कहां न्यूक्लियस को भेजूंगा, तो कल तक जवाब आएगा, तब तक तो मैं फोत हो जाऊंगा। या फर्ज करते कर न्यूक्लियस ही नहीं है, आई टोल्ड यू देयर आर टाइम्स व्हेन इवन द न्यूक्लियस डू नॉट एग्जिस्ट एज अ न्यूक्लियस, कोई जीन एक्सप्रेस नहीं हो रहा था, सारा का सारा डीएनए, जब डीएनए सिंथेसिस हो रही होती है, डुप्लीकेशन ऑफ डीएनए हो रहा था, डू यू बिलीव एनी लाइफ एग्जिस्ट एट दैट टाइम, कोई जिंदगी नहीं होती उस टाइम, वी आर डाइंग, we are actually deleted in every other second, hamari body mein agar 1 trillion cells hain to millions of cells are dying at in a given instant, hum har waqt toot rahe hain, koi hame jod raha hai wapas karke, aur kyunki jodne ka amal tootne ke amal se zyada acha hai, that is why we are living, so at some point of time even nucleus do not exist, to krebs cycle kya kahega, yaar nucleus ko ban lene do, jab wo ban jayega genes proper organize ho jayenge, then I will ask to the gene jiska taluk hai electron transport chain se hai ki wo express kare aur mere liye function kare, no, so the nature has placed all these critical critically jo 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 connected important critical genes hai na wo wahan rakh dete hain niche, theek ho gaya, okay sir from where I read Sinovac is the other using a specific molecule, आपको आपको ये करना चाहिए अबीर, आपको मैंने ये दो तीन दफा मेंशन किया लेकिन मैंने शेयर नहीं किया, इसलिए डिफिकल्ट होता है आप लोगों को, मैंने बोला था कि वो जो मेरी एक टॉक है फाइजर वैक्सीन के हवाले से, आप उसकी डिस्क्रिप्शन में देखिएगा, उसकी डिस्क्रिप्शन के अंदर वो लिंक मौजूद है जहां से हम इसको तमाम वैक्सीन की इन्फॉर्मेशन को ट्रेस कर सकते हैं, मैंने वेबसाइट को भी एक्सप्लेन किया है टॉक के अंदर, लेकिन मैंने डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक भी दिया है, ठीक है, दैट विल गोइंग टू हेल्प यू, उससे आपको आइडिया हो जाएगा कि यार ये साइनोवैक दरअसल कौन सी कंपनी बना रही है, ये कैसे बना रही है, एसोसिएटेड पब्लिकेशंस कौन सी हैं और कौन कौन से मुल्क इसको इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक है, एक्चुअल वायरस स्ट्रक्चर जो है वो मोर स्पेसिफिक है देन फाइजर, फाइजर वाला भी तो स्पेसिफिक है ना, फाइजर में आपने स्पेसिफिकली वो बना दी स्पाइक प्रोटीन, वो एग्जैक्टली वायरस की प्रोटीन है, वो भी स्पेसिफिक है, लेकिन एज बीइंग वायरस, वायरस होना ये इम्यून सिस्टम को बहुत अच्छे से पोक करता है, यानी कि पूरा वायरस का स्ट्रक्चर आ रहा है, वो मैंने कहा था वो मीजल्स वायरस को भी इस्तेमाल करते हैं, इनएक्टिवेटेड मीजल वायरस यूज करते हैं, उसके अंदर इंजीनियर कर देते हैं स्पाइक प्रोटीन को, अब लोगों ने ट्राई किया ये, अब मीजल वायरस जब जाएगा तो बॉडी का इम्यून सिस्टम तो ट्रिगर होगा ही और अल्टीमेटली उससे स्पाइक प्रोटीन के अगेंस्ट एंटीबॉडीज भी बन सकती हैं, लेकिन ये बहुत कामयाब शायद इसकी इसकी एफिशिएंसी अच्छी नहीं होगी, तभी मैदान में नहीं आया, ये बनाया लेकिन मैदान में नहीं आया, हो सकता हमारा इम्यून सिस्टम प्राइमरली मीजल्स के अगेंस्ट एंटीबॉडीज बनाता हो, वो स्पाइक प्रोटीन को इग्नोर ही मार देता हो उसमें, वी डोंट नो, लेकिन फाइजर में क्या हो रहा है, स्पेसिफिकली स्पाइक प्रोटीन बन रही है स्पेसिफिकली, और अगर फर्ज करें, अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे, स्पाइक प्रोटीन जो है वो दाना खासा जो जीन्स इनकोड करते हैं स्पाइक प्रोटीन को वो बदल जाए, फिर ये फाइजर यूजलेस है, लेकिन ये भी हो सकता है ना, स्पाइक प्रोटीन को कोड करने वाले जीन्स अगर बदल जाए तो स्पाइक प्रोटीन भी बदल जाए, वो भी ACE2 रिसेप्टर से बाइंड ना करे,
और मे भी वायरस जो है वो हमारी जान छोड़ दे हमेशा के लिए, पता लगे कल को मुर्गियों को हो गया है, बिल्लियों को हो गया, दूसरों को हो गया, हमें हमसे खत्म हो गया, ज़ूनोट्रॉपिक ट्रांसफर हो गया। ओके गाइस, थैंक यू वेरी मच। इट्स अ गुड पॉइंट कि कोरोना वायरस के अंदर बहुत सारी कोर प्रोटीन्स भी हैं जो एनवेलप बनाती हैं, वो भी हैं। तो ये स्पाइक प्रोटीन को ही बतौर खास क्यों पकड़ा गया, याद रखिए जो वायरस के लीथल होने की वजह है वो स्पाइक प्रोटीन का ACE2 के साथ कनेक्शन है। तो बाकी कोई प्रोटीन में तब्दीली आ जाए तो शायद वो वायरस की लेथैलिटी के ऊपर इफेक्ट नहीं करे इतना, लेकिन अगर स्पाइक प्रोटीन की बात करते हैं तो स्पाइक प्रोटीन इज अ प्राइमरी रीजन ऑफ क्या कहते हैं लेथैलिटी एंड पैथोजेनिसिटी ऑफ दिस वायरस। तो लोगों ने पर्टिकुलरली ये महसूस किया कि बीमार करने के लिए या बीमार होने के लिए ये जो कॉम्बिनेशन है स्पाइक प्रोटीन का यही इन्वॉल्व होता है, इसलिए इसी को ही एज ए प्राइमरी टारगेट तौर पर इस्तेमाल करते हैं। आपकी वाली बात दुरुस्त है, इसलिए साइनोवैक साइनोफार्म वाले क्या करते हैं पूरा वायरस इस्तेमाल करते हैं। वो कहते हैं एनवेलप प्रोटीन को क्यों छोड़ना, वो भी तो बीच का उसका हिस्सा ही है, लेकिन एनवेलप प्रोटीन बदल जाए कल को तो कोरोना वायरस का फंक्शन नहीं बदलेगा, इट स्टिल माइट बी एबल टू डू द सेम थिंग मे बी वर्स, क्योंकि वो ACE2 रिसेप्टर के साथ तो बाइंड कर ही सकते हैं ना, उससे कौन बाइंड करेगा स्पाइक प्रोटीन। तो स्पाइक प्रोटीन इज समथिंग लाइक द मोस्ट क्रिटिकल प्रोटीन आउट ऑफ ऑल द प्रोटीन्स ऑफ इट, दैट इज व्हाई लोगों ने पूछा। बिल्कुल है मान कि ये बिल्कुल ऑप्शन सारे प्रोटीन टारगेट्स ऑप्शन होते हैं और लोगों ने किए भी होंगे ना। इट्स नॉट अबाउट कि दिस इज नॉट राइट और दिस, इट इज अबाउट सबने सब ट्राई किया होगा। थ्योरेटिकली स्पाइक प्रोटीन इज द मोस्ट और द बेस्ट कैंडिडेट, क्योंकि ये इंटरेक्शन करने में इन्वॉल्व है, टॉकिंग करने में इन्वॉल्व है, इसलिए सब लोगों का ध्यान ऑटोमेटिकली सिर्फ गया होगा। अगर कोई एन प्रोटीन या कोई और प्रोटीन ऐसी है जो ज्यादा इंपॉर्टेंट साबित होती है तो अब तक मार्केट में आ चुकी है, लोगों ने सबका किया हुआ। जैसे हमने देखा मीजल्स की ट्राई भी की हुई है, लोगों ने DNA वैक्सीन भी ट्राई की हुई है, इतने सारे कंपनीज थी उस पिक्चर में जिन्होंने DNA वैक्सीन ट्राई की है, बहुत सारे लोग थे जो प्रोटीन वायरस प्रोटीन्स को इस्तेमाल कर रहे हैं एज ए वैक्सीन, नहीं काम कर रही। सो जब हम किसी चीज को लेबोरेटरी में एक्सिक्यूट करते हैं ना उसके पैरामीटर्स और होते हैं, लैब के अंदर लैब में बड़ी कंट्रोल कंडीशंस होती हैं, लेकिन जब हम किसी चीज को उसी चीज को ह्यूमन बॉडी के अंदर डालते हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म में डालते हैं, तो तब कॉम्प्लेक्सिटी के लेवल बढ़ जाता है। अल्टीमेट जो आंसर है, अल्टीमेट जो जवाब है वो तभी आएगा व्हेन वी पुट दैट स्टफ इनटू द लिविंग सिस्टम। इसलिए लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर कोई वैक्सीन कैसे बिहेव करती है इट्स एंटायरली डिफरेंट थिंग। बड़े बड़े लोग जो लेबोरेटरी में सेल कल्चर्स के अंदर कामयाब हो जाते हैं अपने एक्सपेरिमेंट करने में, जैसे ही वो अपनी प्रोटीन को अपने प्रोडक्ट को या अपनी हाइपोथेसिस को लिविंग ऑर्गेनिज्म में लेके जाते हैं तबाह हो जाती है। आपको समझ आ जाना चाहिए कि व्हाई देयर इज द स्टेज ऑफ रिसर्च, कि पहले हम इन विट्रो करते हैं, सेल कल्चर करते हैं, एनिमल्स के अंदर करते हैं और फिर ह्यूमंस में लेके जाते हैं। तो जब कोई चीज सेल कल्चर में हो जाती है स्टिल इट्स क्वाइट कंट्रोल्ड, एक आपने फंक्शन देखा, इसने इसको टच किया और इसने एक्टिवेट कर दिया, सेल सेल्स के अंदर आपने एनालिसिस की, कंफर्म किया, पेपर पब्लिश कर दिया, बल्ले बल्ले हो गई। अब आप जब तक इस फंक्शन को लिविंग सिस्टम के अंदर कंफर्म नहीं करेंगे तब तक इसकी वैलिडिटी सामने नहीं आएगी, बिकॉज इन लिविंग सिस्टम डिफरेंट फंक्शंस आर इंटररिलेटेड। क्या पता किडनी का कोई इफेक्ट होता हो उस जीन के ऊपर, किडनी सेल कल्चर में तो नहीं होती ना, क्या होता है एनवायरमेंट फैक्टर, स्ट्रेस, हैप्पीनेस, इसका इंपैक्ट होता हो उसके एक्सप्रेशन के ऊपर, वो तो नहीं ना सेल कल्चर के अंदर होती। तो लिविंग थिंग जो है ना या लिविंग सिस्टम जो है ये ज्यादा कॉम्प्लेक्स और एडवांस फॉर्म है, इसलिए बहुत सारे हजारों मॉलिक्यूल्स डेवलप होते हैं, उनमें से बहुत कम जो है वो इन डिफरेंट ट्रायल्स में सर्वाइव करते हैं। और हम ये जानते हैं आज के तमाम ट्रायल्स के बाद ये चंद एक मॉलिक्यूल जो है वो मार्केट में है। साइनोफार्म, साइनोवैक, दिस आर नॉट द ओनली प्रोडक्ट चाइना वर प्रिपेयरिंग एट दैट टाइम, हजारों लैब्स के अंदर हजारों मॉलिक्यूल्स बन रहे होंगे, जिस जिसकी एफिशिएंसी अच्छी आ रही होगी वो सर्वाइव करता रहा, जिसकी बुरी आ रही होगी वो मार्केट से आउट होगा, नो लॉन्गर जो, ठीक हो गया। ओके 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 गाइस, ओके ऑनलाइन स्टूडेंट्स थैंक यू वेरी मच आप लोगों को।